आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक और पॉलिटिशियन की बायोग्राफी रिव्यू करेंगे, यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा की जो कहानी है वो आपको डेफिनेटली इंस्पायर कर देगी। एक आईएएस रहे, बहुत बड़े पद पर रहे और 1984 में सब छोड़ दिया, पॉलिटिक्स में आ गए। पहले चंद्रशेखर ने इनको गाइड किया, फिर बीजेपी में आ गए। तो क्या रहा यशवंत सिंह का पूरा हिसाब किताब, क्या इनकी कहानी है? जबरदस्त करियर रहा है दोस्तों, कमाल का करियर रहा है। कभी भी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया, ईगो पे बात कभी नहीं आने दी। भैया इन्होंने तो मुख्यमंत्री को कह दिया था कि मैं कभी भी चीफ मिनिस्टर बन सकता हूं लेकिन आप कभी भी आईएएस नहीं बन सकते, ठीक है ना? तो यशवंत सिन्हा का जबरदस्त एटीट्यूड था और काफी ईमानदार रहे हैं, काफी बेहतरीन करियर रहा है। तो आज हम यशवंत सिन्हा की बायोग्राफी को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, तो दोनों ही जगह पर चेक पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव को सर एग्जाम्स के लिए आते हैं, अपने नंबर पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। और अब मैं ट्विटर पर भी आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों गौरव सर ने एक बेहतरीन किताब लिखी है, तो आप उसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए है ये, फेलियर टू ट्रायंफ, लेकिन मेरे हिसाब से ये हर किसी को पढ़नी चाहिए। दोस्तों अगर हम यशवंत सिन्हा की बात करें तो इनका जन्म बिहार पटना में हुआ 6 नवंबर 1937 को, ठीक है? तो 6 नवंबर 1937 को इनका जन्म हुआ बिहार पटना में, बिहार की कैपिटल है पटना। अब इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। अब ये बताते हैं कि आईएएस एग्जाम देने से पहले ये मिलिट्री में भी गए थे, ठीक है? अब वो बड़ी कमाल की कहानी है। एक्चुअली इनके पिताजी चाहते थे ये आईएएस बने, ठीक है, 9वें नंबर के, काफी बड़ा इनका परिवार था तो 9वें नंबर पे थे ये, ठीक है? तो इनके पिताजी चाहते थे कि लड़का जो है वो कलेक्टर बने। इससे पहले क्या हुआ था कि जो इनके बड़े भाई थे वो आईएएस का एग्जाम उन्होंने दिया था, बट वो क्रैक नहीं कर पाए थे। इनके बड़े भाई इसलिए आईएएस का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके पास सब्जेक्ट थे मैथ्स और साइंस। तो इस ये वाले जो सब्जेक्ट थे, अब उस समय दो ऑप्शनल चलते थे, तो इसमें होता क्या था कि जो इनके सब्जेक्ट थे दूसरा सब्जेक्ट क्या ले समझ में नहीं आता था। तो इसीलिए यशवंत सिन्हा ने जानबूझ के ऐसे सब्जेक्ट लिए अपने ग्रेजुएशन में जिससे आईएएस निकल जाए। और इनके पिताजी की आखिरी उम्मीद थी ये कि यही मेरा बेटा आईएएस निकाल सकता है। हालांकि जो इनके बड़े भाई थे वो अच्छी पोस्ट पे थे, ऐसी बात नहीं है, बहुत पढ़ने में ज्यादा तेज थे, लेकिन उसके बावजूद आईएएस नहीं निकाल पाए। तो यशवंत सिन्हा ने बोला कि मैं तो आईएएस निकालूंगा ही, चाहे जो हो जाए, लेकिन इनको जाना था आर्मी में। तो ये बड़ा ही बेहतरीन किस्सा बताते हैं, मैं इनके इंटरव्यू सुन रहा था, बताते हैं कि मैं मेरठ में गया, ठीक है? तो मेरठ में मैंने किसी को नहीं बताया, घर पे किसी को नहीं बताया कि आर्मी के वहां पे इंटरव्यू चल रहे हैं और आर्मी का पूरा वहां पे एक रिक्रूटमेंट हो रहा है। मैं चला गया वहां पे, अब मेरठ में मेरे भाई रहते थे तो मैं उनके पास गया, उनको बताना पड़ा, ठीक है? वहां पे बकायदा सब रिटर्न हुआ, फिजिकल ट्रेनिंग हुई और उसके बाद 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ और उसमें मैं था, मेरा सिलेक्शन हो गया था। और ये बात है 1957 की, ठीक है? तो 1957 इनका सिलेक्शन हो गया। अब आर्मी में इनका सिलेक्शन हो गया, जब घर आया, घर में इन्होंने बताया कि मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे यशवंत सिन्हा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, पढ़ने में बहुत तेज, गजब का दिमाग था इनका, ठीक है? और बिहार के लोग तो वैसे ही हम देखते हैं कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, वो अलग बात है कि मौका नहीं मिल पाता है, बट इनका जो मैथ्स है ना वो कमाल, मैथ्स साइंस, बिहार के लोग बहुत ही ज्यादा मेहनती और बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, ठीक है? तो हुआ क्या दोस्तों, जब इन्होंने घर में बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो इनकी माता जी ने कहा पलटन में नहीं जाओगे। और इनके पिताजी ने, पिताजी को जब इन्होंने बताया कि मेरा आर्मी में सिलेक्शन हुआ, तो इनके पिताजी ने उस समय तो कुछ बोला नहीं, लेकिन उनके मुंह से पता चल ही गया था कि मुंह उतर गया है उनका, और बहुत अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि पिताजी चाहते थे मेरा बेटा आईएएस बने। लेकिन अब यशवंत सिन्हा का मानना था कि उनको आर्मी में जाना चाहिए। इनफैक्ट इन्होंने जब आईएएस बने ये, तो इनकी पहली प्रेफरेंस ही आर्मी इन्होंने दी थी, बट इनको मिला आईएएस, ठीक है? तो हुआ क्या कि ये जा नहीं पाए और बड़े भारी मन से इन्होंने ये फैसला किया, एनसीसी वैसे किया था, यशवंत सिन्हा ने एनसीसी किया है, तो बड़े भारी मन से इन्होंने फैसला किया कि मैं आर्मी नहीं ज्वाइन करूंगा। और बहुत दुख हुआ इनको क्योंकि आर्मी में जाना चाहते थे ये, देश की सेवा करना चाहते थे ये। यशवंत सिन्हा का कुछ बचपन से ही ये रहा कि देश की सेवा, समाज की सेवा इनको करनी ही करनी है, ऐसी इनकी परवरिश रही और ऐसे इनके आइडियल्स और वैल्यूज थे, ठीक है? तो हम ये देखते हैं कि ये आर्मी में तो नहीं जा पाए, फिर इन्होंने आईएएस का एग्जाम दिया। अब आईएएस का जब इन्होंने एग्जाम दिया तो इतनी मेहनत की कि भयानक कॉन्फिडेंस, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे यशवंत सिन्हा कि मेरा तो होना ही होना है सिलेक्शन, ठीक है? 1959 में इन्होंने आईएएस का एग्जाम दिया, आईएएस निकाला, इंटरव्यू में गए। अब जब इंटरव्यू में गए ये, तो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस कि मुझे कोई रोक ही नहीं सकता आईएएस बनने में। और इंटरव्यू इनका इतना खराब गया, इतना बेकार इनका इंटरव्यू गया, वह कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा भरोसा अगर कर लो तो दिक्कत होती है, लेकिन रिटर्न उन्होंने बहुत बढ़िया किया था, ठीक है? तो अब हम ये देखते हैं कि उस समय जो इंटरव्यू के मार्क्स होते थे वो 400 नंबर के होते थे,
तो ये इंटरव्यू में गए, इनसे पूछा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये बता ही नहीं पाए, थोड़ा बहुत ही मतलब वो कर गए। तो इंटरव्यू इनका बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन जब इंटरव्यू कमरे से बाहर आए तब भी वॉक लाइक अ किंग, एकदम शेर की तरह चल रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो वहां पे एक और कैंडिडेट बैठे थे जिनका इंटरव्यू नेक्स्ट था, उनका नाम था मूसा रजा, जो कि बहुत बाद में बहुत बड़ी पोजीशन पे गए, ठीक है, सेक्रेटरी लेवल पे गए, ये देश के जाने माने सिविल सर्वेंट बने वो। तो वो बाहर बैठे थे, तो इनसे पूछा यशवंत सिन्हा से कि अरे आपका इंटरव्यू कैसा रहा? तो यशवंत सिन्हा ने एकदम शेर की तरह उन्होंने बोला, ऐसे छाती ठोक के मसूरी में मिलते हैं। तो यशवंत सिन्हा ने जब ये बोला कि सीधा मसूरी में मिलते हैं, तब उनकी और हालत खराब हो गई, मूसा रजा की, यार इसका तो इतना बढ़िया इंटरव्यू गया है, मेरी तो और हालत खराब हो रही है, वो और ज्यादा नर्वस हो गए। लेकिन यशवंत सिन्हा का इंटरव्यू बहुत ही ड्रास्टिक गया था दोस्तों, 400 में से इनके खाली 135 मार्क्स आए थे, समझ रहे, नहीं 140 मार्क्स आए थे 400 में से, 35% मार्क्स मिले थे, लेकिन फिर भी इनका सिलेक्शन हुआ। तो यशवंत सिन्हा फिर मसूरी गए, आपको पता है आईएएस की जो ट्रेनिंग है लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट लपसन्ना में होती है, मसूरी में जो है। तो यशवंत सिन्हा जब मसूरी में गए तो वहां पे मूसा रजा भी मिले, तो मूसा रजा ने बोला कि यार तुम उस समय इंटरव्यू में मुझसे इतने कॉन्फिडेंटली बोले थे कि सी यू इन मसूरी, मतलब इसका क्या था, मतलब तुमने मुझे तो बहुत ज्यादा नर्वस कर दिया था। तो यशवंत सिन्हा ने बोला कि सी यू इन मसूरी का मतलब ये था कि मेरा तो सिलेक्शन होगा ही, लेकिन आपका भी सिलेक्शन होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला था। तो खैर ये, उसके बाद फिर उन्होंने 1960 में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन की, और उसके बाद इन्होंने 24 साल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बिताए, कलेक्टर बने, डीएम बने ये, और बहुत सारी पोस्ट ली इन्होंने। इनकी पहली जब जो पोस्टिंग हुई थी जब बिहार में, इनको पहला जिला मिला था, तो वहां पे मैं भी मैंने बताया था ना कि चीफ मिनिस्टर से थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, वहां के मिनिस्टर ने इनको बोल दिया था ऐसे टेबल ठोके कि क्या तुम ये नहीं कर सकते। यशवंत सिन्हा बताते हैं कि मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं, और ये कई बार हुआ यशवंत सिन्हा के साथ, और कई बार उन्होंने इससे समझौता नहीं किया। सेल्फ रिस्पेक्ट पे अगर मेरी बात आ गई तो मैं नहीं करूंगा, ये यशवंत सिन्हा का कहना है, कहते ना कि वो शेर की तरह एकदम। तो यहां पे क्या हुआ कि चीफ मिनिस्टर ने सीधा बोला कुछ बहुत ही तेज आवाज में, तो यशवंत सिन्हा उस समय थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड थे, यशवंत सिन्हा ने एकदम तल्ख आवाज में तल्ख मतलब ये जवाब दिया कि देखिए मैं चीफ मिनिस्टर कभी भी बन सकता हूं, लेकिन आप आईएएस नहीं बन सकते। हालांकि यशवंत सिन्हा इसको बहुत ही बचकानी हरकत मानते हैं, लेकिन ये चीज हुई। तो उसके बाद फिर इनको बड़ा समझाया गया कि नहीं नहीं आप ऐसा मत करो, तो फिर यशवंत सिन्हा ने बोला भाड़ में जा नौकरी, मुझे ऐसे नौकरी नहीं करनी है। तो इनके जब पिताजी, अच्छा इनके पिताजी भी थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो जब इन्होंने पिताजी को इन्होंने ये इंसिडेंट बताया, तो पिताजी ने पता क्या कहा, मारा नहीं क्या तुमने उसको? तो ये यशवंत सिन्हा, तो कह रहे इन्होंने इनका जो 24 साल का करियर था वो बहुत ही कमाल था, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन इनको मिली, ठीक है, और ये इंडिया की तरफ से गए भी है, इंडियन एम्बेसी में भी काम किया इन्होंने, जर्मनी में काम किया, उसके बाद और भी जगह ये घूमे, फ्रैंकफर्ट में भी गए, ठीक है। फिर 1984 का समय आता है दोस्तों, 1984 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, इन्होंने अपनी सिविल सर्विस छोड़ दी, और उन्होंने बोला कि अब समाज सेवा करनी है। पॉलिटिक्स में आने का इनका कोई इरादा नहीं था कोई खास, ठीक है, चंद्रशेखर के संपर्क में आ गए। अब जब चंद्रशेखर से इनकी मुलाकात हुई, और चंद्रशेखर की एक ज्योतिषी थी, उनके साथ एक ज्योतिषी खड़ी थी, ठीक है, सरोजनी माहिषी उनका नाम था, बहुत बड़ी ज्योतिषी थी, उस समय इनको पता नहीं था कि बहुत बड़ी ज्योतिषी है। तो जब इनसे पूछा उन्होंने कि क्या करोगे अब तुमने सिविल सर्विस छोड़ दी, तुमने आईएएस छोड़ दिया, अब क्या करोगे? तो यशवंत सिन्हा ने बोला कि समाज सेवा करनी है मुझे। तो उन्होंने बोला नहीं, तुम पॉलिटिक्स में आ गए तो पॉलिटिक्स में आओगे, तो इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया यशवंत सिन्हा कि मुझे पॉलिटिक्स में नहीं आना है। लेकिन जब चंद्रशेखर से मुलाकात की, चंद्रशेखर जैसा नेता दोस्तों, मैंने उनकी बायोग्राफी रिव्यू की आप जरूर देखिएगा, कोई मंत्री नहीं बना कभी, उन्होंने कोई मंत्री पद लिया ही नहीं, सीधा प्राइम मिनिस्टर बने वो, सीधा प्रधानमंत्री बने वो इतने ह्यूमेन, इतने जबरदस्त नेता दोस्तों। चंद्रशेखर जैसा नेता होना बहुत ज्यादा बहुत मुश्किल है, ऐसे नेता हो, आजकल तो ऐसे नेता मैन्युफैक्चरिंग होना बंद हो गए हैं, जो इतने ह्यूमेन, लीडरशिप क्वालिटी कमाल, और हर किसी के बात को समझने वाले, गजब के नेता दोस्तों। चंद्रशेखर समाजवाद के असली उदाहरण है, अगर हम मॉडर्न पॉलिटिशियंस की बात करें जो समाजवाद के असली उदाहरण, तो उसमें आप चंद्रशेखर को रख सकते हैं, ठीक है। तो चंद्रशेखर से जब मिले तब पूरा इनका ब्रेन वॉश हो गया, और इन्होंने फिर यही निर्णय किया कि अब मुझे पॉलिटिक्स ही ज्वाइन करनी है, चाहे जो हो जाए। उसके बाद इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी रही, हजारीबाग से ये चुनाव लड़ते रहे, बिहार से हजारीबाग से चुन के आते रहे, और वहीं से ये चुनाव लड़े। अब जब 1984 में इन्होंने सिविल सर्विस छोड़ी, बहुत ईमानदार थे यशवंत सिन्हा, तो इनके पास पैसा वैसा कुछ नहीं था, कुछ भी एक रुपये नहीं था। चंद्रशेखर एक चीज कहते थे कि कभी भी जो पैसा है, जो चंदे का पैसा है, वो कभी भी पर्सनल यूज के लिए नहीं लगाना चाहिए, है ना। जो पॉलिटिक्स जो होती है, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, वो आपको पता ही चंदे पे चलती है, ठीक है, बहुत ज्यादा खर्च भी होता है पॉलिटिक्स में, पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है, कैंपेनिंग होती है, चंदा आता है, वहां पे बकायदा कमेटी बनाई जाती है, एक इंसान उसको मैनेज करता है, एक इंसान फंडिंग अरेंज करता है,
तो बहुत लोग क्या करते हैं, फंड को अपने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज कर लेते हैं, मतलब उससे उस पैसे का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने लिए यूज कर लेंगे, अपने परिवार के लिए यूज कर लेंगे। तो चंद्रशेखर का ये यशवंत सिन्हा को कहना था कि कभी भी चंदे का पैसा अपने लिए यूज मत करो, वो तुम्हारा पैसा नहीं है। और यशवंत सिन्हा ये बताते हैं कि ये बात मैंने गांठ बांध ली थी और दोबारा कभी भी, मतलब जिंदगी में मैंने जो भी ये पैसा था वो कभी भी अपने लिए यूज नहीं किया। बहुत प्रॉब्लम हुई, कई बार पैसे खत्म हो जाते थे, बहुत दिक्कत होती थी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद कभी एक रुपए भी उसमें से मैंने कभी नहीं लिया। ईमानदार बहुत ज्यादा थे यशवंत सिन्हा, कुछ भी कहिए, ठीक है, पहले के नेता कुछ ऐसे ही थे। अभी हम बात करेंगे आज पे इनका क्या विचार है बीजेपी से। अब तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, 2018 में इन्होंने इस्तीफा पूरी तरीके से बीजेपी से हट गए। बहुत सारे नेताओं को दोस्तों बीजेपी ने हटा दिया, जो बहुत सारे वरिष्ठ नेता थे, अब उनके भी हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों की तो बायोग्राफी मैंने ऑलरेडी कवर की भी हुई है, जसवंत सिंह है, जॉर्ज फर्नांडिस है, तो अभी हम यशवंत सिन्हा की भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है आज की बीजेपी पे, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं दोस्तों कि इधर चंद्रशेखर के साथ थे, अब 1989 में जनता दल बनी, जनता दल बनी और ये जनरल सेक्रेटरी बने पार्टी के, ठीक है। अब इसी दौरान दोस्तों ये बिहार में थे, तो लालू प्रसाद यादव से इनके बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे शुरू में लालू प्रसाद यादव से इनके बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे। एक बार क्या हुआ था कि बजट पे बहस चल रही थी, तो लालू प्रसाद यादव से इन्होंने कुछ सवाल पूछे। अब भैया यशवंत सिन्हा है IAS, दुनिया भर की नॉलेज है इनको, तो लालू प्रसाद यादव से इन्होंने बजट के लेकर बहुत सवाल पूछे। और लालू यादव का जो एकदम टिपिकल स्टाइल है कि वो जो पूछा जाता है वो कभी नहीं बताते, लेकिन इतना बढ़िया वो टॉपिक को डाइवर्ट करते हैं ना कि सब बस उन्हीं को सुनते हैं, ठीक है। तो लालू प्रसाद यादव का चित परिचित अंदाज, उन्होंने पूरे टॉपिक को ही डाइवर्ट कर दिया, इसकी बुराई करते रहे, इधर कविताएं पढ़ते रहे, इधर बोलते रहे। तो उसके बाद जब खत्म हुआ तो यहां पे यशवंत सिन्हा ने बोला कि मैंने जो भी सवाल पूछे हैं एक बात का जवाब नहीं है, कुछ नहीं उन्होंने बताया, एक पॉइंट पे इन्होंने एक भी पॉइंट को क्लियर नहीं किया। तो लालू प्रसाद यादव ये बड़ा एकदम पोथा लेके आए थे, फाइल की फाइल लेके आए थे, और ऐसे टेबल पे पटक दी कि लो जवाब इसमें है, ये सारी फाइलें हैं, इसको पढ़ लो। तब यशवंत सिन्हा ने पूछा कि आपने पढ़ी है, आप ऐसे कैसे यहाँ पे, आप ये दो इधर विधानसभा में आप जो ये पटक रहे हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपने पढ़ी है? तो यहाँ पे लालू प्रसाद यादव के पास कोई जवाब नहीं था। तो यशवंत सिन्हा ने बोला यार इससे अच्छा तो ये सब फालतू है, फिर बजट की बहस का वही क्या, हम लोग चर्चा कर रहे हैं बजट पे और यहाँ पे मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, हम सब इतनी मेहनत करें तो क्या है, बेकारी है, फिर ये कोई चर्चा का वही नहीं है, ठीक है, इसका कोई रिजल्ट तो निकलेगा नहीं, तो इससे अच्छा हम लोग उक्का बुक्का तीन तड़क्का खेलते हैं। तो लालू प्रसाद यादव ने बोला कि अरे ये गलत है, इसको पूरा करिए, उक्का बुक्का तीन तड़क्का, और पूरा उन्होंने बताया वो। तो ये लालू प्रसाद यादव का खैर परिचित अंदाज था, लेकिन बाद में लालू प्रसाद यादव से दोस्ती हो गई थी, ठीक है, बाद में। पहले तो बहुत बड़े राइवल थे लालू प्रसाद यादव और ज्यादा पसंद नहीं करते थे यशवंत सिन्हा, लेकिन बाद में दोनों लोग बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि वीपी सिंह की कैबिनेट में, अच्छा 1989 से लेकर 1991 तक ये बहुत इंपॉर्टेंट था, वीपी सिंह की जनता दल जीती और वीपी सिंह की कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर बने। एक चीज और यशवंत सिन्हा बताते हैं कि यशवंत सिन्हा बोलते हैं कि 1991 का जो बजट था वो यशवंत सिन्हा ने तैयार किया था, मनमोहन सिंह भले ही क्रेडिट ले गए, ठीक है, और ये बात कई बार आई भी है कि ये जो पूरा एलपीजी का, जो हमारी पूरी इकोनॉमी खोली, इसके पीछे का जो पूरा का पूरा दिमाग था वो यशवंत सिन्हा का था। और यशवंत सिन्हा अगर, मतलब जनता दल रहती, क्योंकि 1991 में कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस को मौका मिला बजट पेश करने का, अगर जनता दल रहती तो यही बजट यशवंत सिन्हा पेश करते, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट सिमिलर थे, ठीक है। तो यशवंत सिन्हा खैर अपना बड़प्पन दिखाते हुए कहते हैं कि ज्यादा मैं इस पर क्रेडिट नहीं लेना चाहता, वो खाली किस्मत में लिखा होता है कि आपको कितना मिलेगा, ठीक है, तो ये भी बोला जाता है। और एक और इंसिडेंट हुआ था, ये और बताते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि 1990 में, अब आपको पता ही है कि मंडल कमंडल की राजनीति होने लगी थी, मंडल कमीशन आया था, उसमें बैकवर्ड क्लासेस को जो रिजर्वेशन देने की बात थी उस पर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था दोस्तों, ठीक है, कुछ राज्य में तो दंगे भड़क गए थे, फिर एक कौन थे, गोस्वामी थे, उन्होंने अपने ऊपर तेल छिड़क के आग लगा ली थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये गए, इनको बुलाया गया, ठीक है, कि आप आइए दिल्ली यूनिवर्सिटी में भाषण दीजिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये गए, तो जहां पे ये गए वहां पे जिन्होंने इनको बुलाया था वो गायब, वो है ही नहीं, और जहां पे ये गए तो जो स्टूडेंट्स थे उनकी पूरी भीड़ थी वहां पे, बहुत ज्यादा भीड़ थी, गाड़ी से उतरे, जिन्होंने बुलाया वो है ही नहीं, अब हालत खराब, क्या करें, इनको तुरंत भीड़ ने घेर लिया, और वो सब थे एंटी रिजर्वेशन, और यशवंत सिन्हा रिजर्वेशन को प्रमोट कर रहे थे। अब यशवंत सिन्हा का मानना है कि हालांकि वो टाइमिंग बहुत गलत थी, वो जो टाइमिंग थी जल्दबाजी में किया गया और वो एक पॉलिटिकल डिसीजन था, ये एक जो डिसीजन है ये सामाजिक, समाज के हिसाब से सामाजिक दृष्टिकोण होना चाहिए, इसका राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये पॉलिटिकल डिसीजन था,
तो यशवंत सिन्हा कुछ पहलुओं पे सहमत नहीं थे, लेकिन भैया वहां पे एंटी रिजर्वेशन, सब के सब स्टूडेंट रिजर्वेशन के खिलाफ नारे लगा रहे थे, यशवंत सिन्हा को घेर लिया। अब यशवंत सिन्हा के ऊपर शाही फेंकी गई, इनके साथ थोड़ी बदसलूकी की गई, यशवंत सिन्हा को पकड़ के फिर ले गए। अब यशवंत सिन्हा को नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला है, बहुत बुरा भी हो सकता था। खड़ा किया उनको एक किनारे में ले जाके और यशवंत सिन्हा से बोला कि चलिए आप बोलिए, स्टूडेंट जो थे उन्होंने बोला इनसे, बोलिए कि मैं जनता दल से इस्तीफा दे रहा हूं, मैं अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं, आपको बोलना पड़ेगा और मैं रिजर्वेशन के अगेंस्ट हूं। तो यशवंत सिन्हा ने बोलने से मना कर दिया, बोला कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला जो मैं पूरा ना कर पाऊं, ऐसा कोई वादा नहीं करूंगा जिसको मैं पूरा ना कर पाऊं, आपके पास मैं हूं, आपको जो करना है करिए, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा जिसको मैं पूरा ना कर पाऊं, ऐसा कोई भी वादा नहीं करूंगा। तो स्टूडेंट्स को कुछ लगा होगा, फिर यशवंत सिन्हा को उन्होंने बाइज्जत छोड़ दिया। उसके बाद फिर गाड़ी में गए और गाड़ी में वापस आ गए। अब आता है 1993 में, दोस्तों इधर बिहार में लालू प्रसाद यादव से ज्यादा बन नहीं रही थी। और इधर अब होता क्या है कि 1993 में जब इलेक्शंस हुए तो बहुत कम सीटें मिली, ठीक है, इधर चंद्रशेखर के साथ जुड़े हुए थे, दिक्कत बहुत ज्यादा थी, तो पॉलिटिकल करियर इनको अपना खत्म होते हुए दिख रहा था। फिर लालू प्रसाद यादव के साथ भी, लालू प्रसाद यादव ने तो इनको पहचाना तक नहीं था, एक बार गए थे इन्होंने इनको पहचाना तक नहीं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इनको दुख हुआ कि मतलब मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे रहा और इतना कुछ किया और मुझे आज फिर पार्टी ऐसा ट्रीट कर रही है। तो इन्होंने फिर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि अब मुझे इस पार्टी को छोड़नी होगी, मुझे चंद्रशेखर से अलग होना पड़ेगा। तो इनके पास ऑप्शन थे, या तो मैं बीजेपी ज्वाइन करूं या तो मैं कांग्रेस ज्वाइन करूं। कांग्रेस से ज्वाइन करना नहीं चाहते थे, तो इनके पास एकमात्र विकल्प था बीजेपी। इन्होंने लाल कृष्ण अडवाणी को फोन किया और उन्होंने बोला मैं बीजेपी ज्वाइन करना चाहता हूं। तो 1994 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, और इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो बीजेपी में फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक, तुरंत ही इनको स्पोक्स पर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी बनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत ज्यादा करीब आए, 1996 तक ये हम देखते हैं कि 1996 में इनको स्पोक्स पर्सन बनाया गया, और 1998 में जब बीजेपी की सरकार है तो इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी का इसमें बहुत बढ़िया, यहाँ पे क्या हुआ था कि इनको कॉमर्स मिनिस्टर बनना था, तो जब बीजेपी जीती थी तो इन्होंने बोला, हजारीबाग से आते तो इन्होंने बोला कि मैं हजारीबाग जाना चाहता हूँ, वहां की मतलब इधर यशवंत सिन्हा ने बोला कि हजारीबाग जाना चाहता हूँ, वहां की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो अटल बिहारी वाजपेयी का परिचित अंदाज, वन लाइनर बोलने में माहिर, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि अगर आप हजारीबाग जाएंगे तो बजट कौन बनाएगा। अब ये एकदम बहुत चक्के कि क्या मुझे बजट बनाना है, तो फिर यशवंत सिन्हा समझ गए कि मैं वित्त मंत्रालय में जाने वाला हूं और वित्त मंत्री मुझे बनाए जाने की पूरी ये तैयारी कर ली गई है, और इनको 1998 में फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। अब जब ये फाइनेंस मिनिस्टर बने दोस्तों, तो इनके पास चौतरफा हमले हुए इनके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इनको ऑफिस में नहीं देखना चाहते थे। यशवंत सिन्हा, देखिए फाइनेंस मिनिस्टर की ऐसी पोजीशन होती है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि पैसे को मैनेज करेगा। अब यहां पे जो उद्योगपति है वो अपने हिसाब से, वो ऐसा कोई ऐसा मिनिस्टर चाहते जो उनके साथ मिलके काम करे, उनके हिसाब से काम करे, कठपुतली टाइप, वो जो चाहे वो हो, ठीक है। अब यशवंत सिन्हा, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत आजाद ख्यालों के थे और उद्योगपतियों के हिसाब से चलने वाले थे नहीं वो, तो यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर बने और इनके ऊपर बहुत ज्यादा आरोप लगाए गए, बहुत ज्यादा हमले हुए इनके ऊपर, ठीक है। यहां तक कि दोस्तों आपको बता दूं कि जो बीजेपी में कुछ ऐसे बड़े लोग थे, ऐसे बड़े नेता थे, जो यशवंत सिन्हा पे धौंस जमाते थे, बोलते थे कि मेरे ऑफिस में आओ, तुम याद रखो अपनी जो तुम पोजीशन पे हो वो भूलना नहीं, तुमको मेरे ऑफिस आना पड़ेगा, मेरा काम करना पड़ेगा। और तो ये सब चीजें यशवंत सिन्हा ने झेली है, ये इन्होंने बकायदा पूरा, मैंने इनका इंटरव्यू देखा था, पूरा 2.5 घंटे का इंटरव्यू है, तो उसमें बकायदा इन्होंने बताया था, ठीक है। अपनी बुक को प्रमोट कर रहे थे, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी रिलेंटलेस, तो उसको प्रमोट कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें उन्होंने पूरा का पूरा बताया था। लेकिन बाद में जब इनके साथ सेक्रेटरी काम करते तो उन्होंने बोला कि सर आप ऐसा मत करिए, ठीक है, आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं और फाइनेंस मिनिस्टर के पास हर कोई आता है, आप किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे भले वो कितना बड़ा हो, ठीक है। कुछ लोगों को बस इन्होंने रियायत दे रखी थी, उसमें जॉर्ज फर्नांडिस थे, एल के आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस के बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है, तो कुछ लोगों को इन्होंने रियायत दे रखी थी कि अगर वो मुझे बुलाते हैं तो मैं बिल्कुल जाऊंगा, वरना और अगर किसी को भी कोई काम है तो वो मेरे ऑफिस में, ठीक है। तो ये चीज है, 1998 से लेकर 2002 तक ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे। अब फाइनेंस मिनिस्टर, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। हम देखते हैं कि इन्होंने जो एक तरीके से पकड़ थी उद्योगपतियों की वो कम की, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को इन्होंने कम किया, ठीक है, टैक्स डिडक्शन यहाँ पे इन्होंने इसका टैक्स डिडक्शन का कंसेप्ट लेके आया, ठीक है, बहुत सारी चीजें इन्होंने दोस्तों की, टेली कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए काम किया। तो इस ये सारी जो रिफॉर्म्स लेके आए ये काफी मददगार भी साबित हुए, ठीक है। एक चीज और हुई थी दोस्तों, 2002 में इनको मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स बना दिया गया था, फॉरेन मिनिस्टर इनको बना दिया गया था। अब
दोस्तों इसमें भी एक कहानी है कि एक बार क्या हुआ था कि 2001 में जब परवेज मुशर्रफ आगरा आए थे, ठीक है, आगरा में शिखर वार्ता थी, तो परवेज मुशर्रफ ने उस समय सत्या हत्याई थी, आपको पता ही है, परवेज मुशर्रफ की बायोग्राफी मैंने कवर की है। तो परवेज मुशर्रफ अपने आके किसी की सुनते नहीं थे, ठीक है। तो उस समय तो एक्सटर्नल मिनिस्टर थे नहीं, अगर हम बात करते हैं इनकी, यशवंत सिन्हा की, तो उस समय ये जो एक्सटर्नल मिनिस्टर थे कौन थे, जसवंत सिंह, ठीक है। तो जसवंत सिंह ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था, जसवंत सिंह ने ड्राफ्ट तैयार किया था। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ को मिलना था तो इस ड्राफ्ट के हिसाब से चर्चा होनी थी। अब इस ड्राफ्ट में शिमला एग्रीमेंट का नाम नहीं था, ठीक है, और इसमें सीमा जो विवाद है हमारा उसका भी नाम नहीं था। तो यहां पे फिर यशवंत सिन्हा और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ने बोला कि यार ये ड्राफ्ट गड़बड़ है, ठीक है, ये ड्राफ्ट गड़बड़ है। तो इसमें जसवंत सिंह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि अच्छा मैंने इतना मेहनत करके बनाया तो आप खुद ही कर लो, और वो उठ के चले गए थे। तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने यशवंत सिन्हा ने बोला कि जाके मनाओ, देखो क्या हो गया है। तो फिर उसके बाद यशवंत सिन्हा जसवंत सिंह के कमरे में गए और उनको मनाया कि देखो हम सब खाली सुझाव दे रहे हैं और ये सुझाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये लागू होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज है। फिर हम देखते हैं दोस्तों 2004 में बजट इन्होंने पूरा का पूरा तैयार तो किया लेकिन वो लागू नहीं हो पाया, और ये हार की वजह मानते हैं। 2004 में लोकसभा इलेक्शन जो है वो हार गई बीजेपी और कांग्रेस की सरकार आ गई। अब यशवंत सिन्हा का मानना है कि अगर 2004 में हम बजट पेश कर देते तो शायद उस समय हम जीत जाते। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि 2004 के बाद इनकी तबीयत खराब हो गई, इनको कैंसर हो गया, बहुत सारी बजट जो है, बहुत सारी चीजें जो है इनको इस पे इनको बोलना था, लेकिन इनकी तबीयत खराब हो गई, इनका कैंसर हो गया, और 2006 से लेकर 2007 तक इनकी कीमोथेरेपी रही, मतलब कीमोथेरेपी चली। अब एक चीज बहुत बड़ी बताते हैं ये, जब इन्होंने कीमोथेरेपी की, मतलब जब इनको इनकी तबीयत खराब हुई थी दोस्तों, तो ये बताते हैं कि मेरे इतने मित्र थे बीजेपी के, ठीक है, मैं इतना क्लोज था बहुत सारे लोगों से, बीजेपी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा, एक भी बड़ा नेता नहीं आया मेरी तबीयत कैसी है। यहां तक कि विपक्ष के नेताओं की भी अगर तबीयत खराब होती है तो उनका भी हाल, विपक्ष के तो छोड़िए, अगर किसी दुश्मन की भी तबीयत खराब होती है तो वहां पे हाल पूछा जाता है, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक भी नेता हॉस्पिटल में नहीं आया, किसी ने भी हालचाल जानने की कोशिश नहीं की, ये चीज कहीं ना कहीं इनको खटकी। साथ ही साथ एक इंसान आया था, उसका नाम था चंद्रशेखर। चंद्रशेखर भी उस समय बहुत बीमार थे, ठीक है, चंद्रशेखर बोल नहीं पाते थे, चल नहीं पाते, लेकिन उसके बावजूद यशवंत सिन्हा को वो देखने आए थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई नेता नहीं आया था। बल्कि आपको बता दूं कि चंद्रशेखर और यशवंत सिन्हा के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ गए थे जब इधर यशवंत सिन्हा ने बीजेपी को ज्वाइन किया था। क्योंकि देखिए होता क्या है कि एक होती है हमारी सेंट्रल पॉलिटिक्स, एक होती है हमारी स्टेट पॉलिटिक्स, और एक होती है हमारी डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिले की राजनीति। सेंट्रल पॉलिटिक्स सबसे अच्छी होती है, सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि इसमें करप्शन और थोड़ा सा मतलब इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, और एक क्लासी पॉलिटिक्स होती है, यहां पे मतलब गंदी राजनीति नहीं खेली जाती है। राज्यों की राजनीति गंदी होती है, जिला की राजनीति सबसे गंदी होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल मर्डर्स तक हो जाते हैं, किस किस लेवल पे गिर जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यहां पे जयंत सिन्हा, मैं बात जयंत सिन्हा एक्चुअली यशवंत सिन्हा के बेटे हैं, ठीक है, और वो भी वो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, ठीक है, यशवंत सिन्हा के जो बेटे हैं काफी हाईली क्वालिफाइड है, आईआईटी से पढ़े हुए हैं, और इस समय वो भी एमपी हैं, ठीक है, हजारीबाग से। उन्होंने मतलब यशवंत सिन्हा ने बोला था 2014 में कि अब मैं जो है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता हजारीबाग से, मैं चाहता हूं कि जयंत सिन्हा मेरे बेटे लड़े, ठीक है। तो ये चीज उसके बाद दोस्तों हुआ क्या कि सेंट्रल पॉलिटिक्स में ही यशवंत सिन्हा जो है हमेशा एक्टिव रहे, है ना। चंद्रशेखर ने कभी भी इनको स्टेट पॉलिटिक्स और डिस्ट्रिक्ट में तो कभी नहीं, स्टेट पॉलिटिक्स में भी इनको ज्यादा इन्वॉल्व होने दिया नहीं, क्योंकि इनको पता था कि अगर ये स्टेट में ज्यादा घुस गए तो गए काम से। तो यशवंत सिन्हा ने जब बीजेपी को ज्वाइन किया था तो चंद्रशेखर से रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत आरोप प्रत्यारोप, लेकिन डिफरेंसेस हो गए थे, कई टाइम तक, कई वक्त तक बात नहीं हुई, लेकिन फिर बाद में दोस्तों बात हुई। और यहां पे चंद्रशेखर की आप बात देखिए कितने जबरदस्त, कि इतना खुद नहीं चल पा रहे हैं, तबीयत खराब है, लेकिन उसके बावजूद यशवंत सिन्हा को देखने आए, लेकिन कोई भी बीजेपी का लीडर देखने नहीं आया। एक और चीज बोलते हैं यशवंत सिन्हा आज की बीजेपी पे, यशवंत सिन्हा का मानना है कि ठीक है आप किसी को मंत्री मत बनाइए, आप मत करिए, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, हमको मंत्री पद अब चाहिए भी नहीं, लेकिन आप बुला के चर्चा तो कर सकते हैं, आप बुला सकते हैं, जो लाल कृष्ण अडवाणी हो गए, मनोहर जोशी हो गए, उसके बाद जसवंत सिंह हो गए, जॉर्ज फर्नांडिस हो गए, मैं हो गया, यशवंत सिन्हा अपनी बात करते हैं, तो आप हम सबको बुला के चर्चा तो कर सकते हैं, हम सब वेटरन्स हैं, हमने इस देश के लिए बहुत काम किया है, हम राजनीति में 40 साल से ज्यादा सक्रिय हैं, और आप बात तो करिए, आप एडवाइस तो लीजिए, लेकिन ऐसे आपने दरकिनार कर दिया है।
बूढ़ों की अगर बुजुर्गों की बूढ़ों बुजुर्गों की अगर इज्जत नहीं होती है, हर परिवार में जो बुजुर्ग होता है वो बहुत एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, और उसका अपमान जो है वो नहीं होना चाहिए, अपमान जो है वो बहुत ही गलत होता है, ये यशवंत सिन्हा खुद बोलते हैं, ठीक है, मैं उनको उन्हीं को कोट कर रहा हूं, मेरे खुद के वर्ड्स नहीं है। तो यहां पे बुजुर्गों का जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनका अपमान नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये आज की बीजेपी के लिए यशवंत सिन्हा बोलते हैं। तो अभी भी है, अभी भी एक्टिव है, अभी भी इंटरव्यू देखते रहते हैं, और अभी इन्होंने अपनी किताब जो है वो लॉन्च की है, आप पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक और पॉलिटिशियन की बायोग्राफी रिव्यू करेंगे, यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा की जो कहानी है वो आपको डेफिनेटली इंस्पायर कर देगी। एक आईएएस